नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कर्नाटक में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एल रिगु नाम का एक फूड जॉइंट है जो मिलेट्स और हेल्दी फूड जॉइंट्स है, वहाँ आज हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, पहले मेरे ब्रेकफास्ट में चार डिशेज हैं मेरे सामने। सबसे पहले ये जो आपने देखा है मिलेट बिसी वाले बात है, ये मिलेट्स का बना हुआ है और इसके साथ में पोटैटो की चटनी है। तो पहले इसी से हम टेस्ट करते हैं। ये मैं रेगुलर मिलेट्स खा रहा हूँ काफी समय से, और उसके बाद में सेकंड आइटम है मिलेट्स होली ग्रे। बहुत ही कमाल का टेस्ट है इसका। आज हमारे यूथ के लिए ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ सारा यूथ ही खाने के लिए आता है और पूरा दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर और रात 8 बजे तक ये रेस्टोरेंट खुलता है। ये मिलेट्स पोंगल है, ये भी रेडी टू ईट पैक में मिलता है और जो इन्होंने बना के यहाँ सर्व किया है। पोंगल विद कड़ी पत्ता, ये तीनों आइटम ज्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन टेस्टी है, तो तीनों का टेस्ट अलग अलग है। ब्लैक कॉफी वेरी नाइस। और उसके बाद नाश्ते में अगर स्वीट ना हो तो ये हम जो है मिलेट केसरी बात है जो जैगरी से बना है, पाम जैगरी से, नॉर्मल गुड़ नहीं है, पाम का जो गुड़ है उससे ये बना हुआ है। अरे वाह, ये चारों आइटम जो है सच में बहुत टेस्टी है, हेल्दी है और ये ऐसा बनाया गया है कि यूथ हम जो विदेशी भोजन कर रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बार बार हम सभी कहते हैं, उसके मुकाबले जब हम अपना इंडियन मिलेट्स का फास्ट फूड ये खाएंगे, जंक फूड को छोड़कर इन सबको हमें अपनाना होगा, तभी हम लोग हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है प्रथम सुख निरोगी काया, अगर हम स्वस्थ ही नहीं है और हमें गलत खान पान से हम अपने आप को बीमार करते हैं, ऐसा विकल्प है कि अगर हम ये खाएंगे तो हम जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे, ना एसिडिटी होगी ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। जी, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो है इन प्रोडक्ट्स को आप ज़रूर लें और एक बार टेस्ट करें। ये धीरे धीरे इस तरह के और रेस्टोरेंट जो हैं पूरे देश में खुलेंगे और आप फूड जर्नी बाय निर्मल मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं इसी प्रकार से आपको पूरी जानकारी दूंगा हेल्दी फूड की, अच्छे भोजन की और भारतीय व्यंजन जो हमारे मिलेट्स हैं जिन्हें हम श्रीअन्न भी कहते हैं, अगर हम इनका सेवन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।